इस वक्त मैं राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS में मौजूद हूं और यहां पर वैसे भी अगर देखा जाए तो राजस्थान में हर रोज़ करीब 7,000 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और 20 से भी ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही है। ऐसे में सरकार सुरक्षा सतर्कता और बरतने के साथ साथ लापरवाही छोड़ने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर देख सकें तो ये अस्पताल खुद ही मरीजों को और भी ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। एक ऐसे काउंटर के पास आपको मैं ले जा रहा हूँ जहाँ पर कि जो कि कैश काउंटर है, जहाँ माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी के यूरिन रक्त के सैंपल खाली जमा कर किए जाते हैं। ये लोग काफ़ी बीमार हैं लेकिन कोविड संक्रमित नहीं हैं, अब तक दूसरी कोई बीमारी है। ये लोग इलाज के लिए आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, अंदर देख सकते हैं कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं आप? बहुत देर से। आपको पता है कि राजस्थान में कोरोना से रोज़ 20-25 लोग मर रहे हैं? नहीं सुना तो नहीं। डर लग रहा है कहीं? डर तो लग रहा है नहीं, पास इस तरह से। हाँ वो तो डर लग रहा है, फिर भी मास्क से होना। डर लग रहा है भाई कोरोना से? जी सर। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज कहीं नज़र आ रहा है? सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसे तो और बीमार हो जाओगे यार तुम। भाई साहब आप बोल रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है कहीं आपको? एक्चुअली मुझे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही है और ना ही यहाँ पे कोई स्टाफ ना गार्ड कोई रेस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है ना करने दे रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा। आप खुद देख रहे हैं ना, सब भीड़ भड़का लगा के खड़े हैं, कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता डिस्टेंसिंग से, और ये लोग मेडिकल स्टाफ या गार्ड कोई ऐसा फॉलो भी नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा बताओ? कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? बहुत सही बात बोल रहे हैं। आपने भी सुना जयपुर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, राजस्थान में बढ़ रहे हैं, 20 से 25 लोग हर रोज मर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार ने बोला लापरवाही छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लापरवाही करवा रही है। अगर ये सब सैंपल जमा कराने के लिए यहाँ लाइन लगाने की जरूरत है? ये सब फॉर्मेलिटीज अंदर भी की जा सकती हैं। अगर एक मरीज ऑपरेशन करवा चुका है तो उसकी ये सब फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ क्यों लगाया जा रहा है लाइन में? वहाँ पे अंदर ही जमा कर लो ना। आप 100 रुपया लेना है आपको, 100 रुपया 150 रुपया जो लेना वहीं जमा कर लो आप। यहाँ लाइन लगवाने का मतलब क्या है? डर लगता है, सिस्टम की कमियां है। ये सरकार जो है सिस्टम की अपनी कमियां है जो हम पे थोप रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए, इनमें से ज्यादातर लोग कोविड के मतलब शायद संक्रमित नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में तो शायद उम्मीद है कुछ मुश्किल हो जाए। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इसके लिए जिम्मेदार सरकार खुद ही होगी और कोई नहीं होगा। क्या भाई साहब सही है? बिल्कुल सिस्टम में ही गलती है। सिस्टम में तो गलती है, थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग भी दूर खड़े हो जाओ तो शायद। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, पर वो सभी को समझना पड़ेगा। अब इसमें कोई इनके गार्ड लगाए जाए हैं वो सिस्टम को ज़्यादा तो ऑटोमेटिक। फिर भी कितना भी गार्ड लगा लो, ये जगह तो आपको दिख रही है, जगह कितनी सी है और भीड़ कितनी है। 40 नंबर में अच्छा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। सारे काउंटर है, किसी भी काउंटर पर जाओ तो यहाँ काउंटर कम है। या तो गवर्नमेंट चाहते हो ये काउंटर बढ़ाओ, या तो यहाँ पे अच्छा बनाओ ये बड़ा करो, इसलिए पब्लिक की भीड़ हो रही है ना। चार्ज लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बेड पे ही मरीज सारे सिस्टम, ये आजकल हार्ट के बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, इसमें क्या है, अगर चार्ज लगा लें और ये सब जांचें वहीं हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आम लोग हैं जो कि कुछ सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस तरह से हो जाए तो लोगों को कोविड संक्रमण से काफ़ी हद तक बचाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ है, 2 गज की दूरी कहाँ है भाई सब? 2 गज की दूरी आप लोगों के बीच में जगह नहीं मिल रही सर, कहाँ 2 गज की दूरी बनाई? तो कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार तो कोई नहीं है, जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन वो भी क्या आगे पीछे जा रहा है वो? अभी तो आपके कोरोना नहीं है, आप में से शायद किसी के भी नहीं है, दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए हो गया तो मुश्किल ही हो जाएगी। मुश्किल ही होगी सर, और क्या होगा, आगे बढ़ेगी सर, आगे बीमारी बढ़ेगी, बंद हो जाएगी, 2 दिन फिर आगे दिक्कत होगी। फिर ये अनुशासन भी नहीं है, नया अनुशासन न कोई, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले नियम करते हैं हमारे मन। खुद ही क्यों नहीं बन जाते अपने सिक्योरिटी गार्ड? दो दो ड्यूटी की है, मैंने सारे नियम जानते सर, ड्यूटी किस तरह की जाती है। दो गज की दूरी बना रखे लेकिन फिर भी धक्का होगा, धक्का दो उंगली की दूरी नहीं है यहाँ तो। नहीं सर जी, बहुत अनुशासन तय कर रखे हैं यहाँ पे, क्या बताओ क्या करें यहाँ पे। 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अभी मैं अगर 2 कदम पीछे खड़ गया हुआ ना तो अगला दूसरा बंदा आगे लग जाएगा, कहेगा सर मैं तो आपके आगे ही लगा हुआ हूँ। तो इसके अंदर एक सुशासन, देखो एक तो यहाँ का कोई गार्ड या सिक्योरिटी इनकी खुद की होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए सर। लेकिन सर आप दो दो, अभी एक बात बताइए, शुरू में अगर कोरोना चला था तो आपके बीच आप खुद गार्ड लोग कहते थे कि सर थोड़ा सा सर के खड़े हो, चाहे बैंक हो या ऑफिस हो या किसी चीज़ में भी हो। अब यहाँ कोई गार्ड नज़र आ रहा है?
पब्लिक तो ये सोचती है फटाफट मेरा काम हो, आधा घंटा वहाँ लाइन में लगेंगे, आधा घंटा वहाँ लगेंगे। पब्लिक तो सीधा यही चाहेगी ना सर कि मेरा काम पहले हो। लेकिन डर नहीं लगता सर आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, क्योंकि आप कोविड की जांच के लिए तो नहीं आए? वो बात सही है, मैं अपनी सुरक्षा खुद करना जानता हूँ। अगर मैं दो कदम अगर पीछे हट जाऊंगा ना, दूसरा बंदा आएगा कहेगा सर मैं तो आगे आपके आगे खड़ा हूँ, तो मजबूरन मेरे को भी आगे बढ़ना पड़ेगा सर। क्या करते हैं, ये मजबूरी, ये मजबूरी भी है, हकीकत भी है और समझने की जरूरत भी है। देखते हैं कब तक ये हालात सुधरेंगे, क्योंकि अभी तक जहाँ तक नज़र डालेंगे आप, मास्क लोगों ने लगाना सीख लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई, मास्क सभी लोगों ने लगाया है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात की जाए, इस अस्पताल में भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।